तो बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो फर्स्ट आपके कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अंडरस्टैंड करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग डिज़ाइन कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स को। देन आपने वो सारी चीज़ें जो कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास रिक्वायर हैं, हमने उन चीज़ों को देखना है। फिर सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है कि वो सारे स्किल्स जो कि आपको रिक्वायर होते हैं हाई क्वालिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, हम उनको देखेंगे। थर्ड पॉइंट, टू बी एबल टू यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन नोटेशंस एंड सपोर्ट टूल्स सच एज ML फॉर मॉडलिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर लेट से हमने कोई प्रोजेक्ट मॉडल करना है तो उसको मॉडल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी नोटेशन है जो जिसको हम यूज़ करते हुए UML बेसिकली आपके पास क्या होती है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज होगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, कि हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी रियल टाइम के प्रॉब्लम को किस तरह से मैप करके विद डिफरेंट नोटेशन विद डिफरेंट सिंबल्स उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देन टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो यानी कि बेसिकली लास्ट जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप लोग क्लासेस और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको यूज़ करते हुए या उसके इन्वायरमेंट में आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव होंगे। एट द एंड जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या चीज़ समझ सकोगे या आपकी इस कोर्स की आउटकम क्या होगी आपके पास। फर्स्ट, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम कोड रिटन इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सच एज जावा और C++, वर्क इंडिपेंडेंटली और कोलिबरेट विद इन अ टीम टू डिवेल्प सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज यूजिंग जावा कोड। तो आउटकम इन समराइज अगर मैं इसको करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम आपका क्या होगा कि आप एनालाइज कर सको और अंडरस्टैंड कर सको किसी भी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी जो कि ऑन द रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे राइटअप हुआ हुआ है। किसके अंदर लैंग्वेज के अंदर, चाहे आपके पास एडवांस जावा हो चाहे वो आपके पास C++ हो। इसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली या टीम के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर डिवेल्प जो आपके पास एप्लीकेशन हो उसको डिवेल्प कर सकें और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जावा की एप्लीकेशन, जैसे कि आपके पास GUI इंटरफेसेस होते हैं, आपके पास जावा के लिसनर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे टाइम टू टाइम। तो उन चीज़ों को हम किस तरह से किसी एक एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद उसको किस तरह से हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिवेल्प करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, किन पैरामीटर्स के बेसिस में हम कह सकते हैं कि ये एक क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उन सब को आप इजीली डिवेल्प भी कर सकते हो इंडिविजुअल या टीम के साथ। और इन सब चीज़ों की आप, अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऊप की बेसिस पे डेवलप है या ऊप की प्रिंसिपल की बेसिस पे वर्किंग है, चाहे वो आपके पास जावा कंपाइलर है चाहे वो आपके पास C++ का कोई कंपाइलर है, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये आपके कोर्स के आउटकम होंगे। तो टुडे स्टडी, आज हम क्या देखेंगे, हम एडवांस ऊप में जाने से पहले एक दफ़ा हम अपने ऊप के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम रिकैप करेंगे। तो ऊप रिकैप, उसके बाद हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप। उसमें हम सिर्फ दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या है और एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो इन सब चीज़ों से जाने को स्टडी करने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें
ओप की ज़रूरत क्यों हुई, ओप लैंग्वेज की बेसिस पे हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत क्यों हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, ओप से पहले एक ये लैंग्वेज थी। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेसिफाइज अ सीरीज ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स एंड प्रोसीड्यूर विद इन इट्स प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट टू कंपोज अ प्रोग्राम। इट कंटेन्स अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स फंक्शंस एंड कमांड्स टू कंप्लीट अ कंप्यूटेशनल टास्क और प्रोग्राम। इस स्लाइड को अगर मैं समराइज करूँ तो क्या कह रहा है आपके पास, जो एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है ये बेसिकली आपके पास एक सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट होता है। सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मीन्स हर अपकमिंग जो आपके पास स्टेटमेंट होगी वो डिपेंडेंट होगी प्रीवियस वन। अगर प्रीवियस स्टेटमेंट में उस अपकमिंग जो स्टेटमेंट है उसके लिए कोई आपकी वैल्यू रिक्वायर होगी, इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, लेट्स से मैंने दो नंबर्स का एडिशन करना है और यूज़र से वो वैल्यू मैंने गेट करनी है। तो जब तक मेरे पास दो वैल्यू यूज़र से रिसीव नहीं होंगी मैं उनका एडिशन नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपके पास के एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है। रिजल्ट या सम तब आएगा जब मेरे पास प्रीवियस दो आपके पास जो वेरिएबल हैं उनमें वैल्यूज आएंगी आफ्टर यूज़र इंटर। तो ये डिपेंडेड है। तो आपके पास जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज थी उससे पहले इनके अंदर क्या था कि टॉप टू बॉटम आपके पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि लाइन बाय लाइन आपके पास एग्जीक्यूशन होती है। हर अपकमिंग जो आपके पास जो स्टेटमेंट होती है वो डिपेंडेंट होती है प्रीवियस वन के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स हम इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग डिसीजन स्टेटमेंट कि नाम सेलिना है या नहीं है। तो इसका स्टेप क्या है, हमने क्या कहा था कि प्रोसीड्यूर जो लैंग्वेज होती है टॉप टू बॉटम वर्किंग करती है आपके पास, ठीक है। लेट्स से प्रोग्रामर राइट्स आउट इंस्ट्रक्शन दैट आर फॉलोड बाय अ कंप्यूटर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। फर्स्ट क्या होगा, रीड इन डेटा, डेटा के अंदर वैल्यू आएगी, वो कहाँ से रीड करनी है, हमने यूजर से यानी कि कीबोर्ड से वैल्यू हमने रिसीव करनी है। पास डेटा, कीबोर्ड से वैल्यू रिसीव करने के बाद उसको हमने किस वेरिएबल में जाके स्टोर करनी है, तो पासिंग हो गया। देन अब आपके पास डिसीजन स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम चेक करेंगे क्या जो नाम है वो हमारा कंडीशन को मैच कर रहा है या नहीं। अगर वो उसको फुलफिल करेगा तो हमने उस कंडीशन के अंदर जाके जो आउटपुट की स्ट्रीम लेट्स वो क्या कह रहे हैं, से हाई सेलिना, तो वो उसको आउटपुट कर रहा है और लास्ट में टर्मिनेट कर देगा। इस पूरे सिनेरियो में आपके पास फॉल्स की कंडीशन यहाँ पे हैंडल नहीं हो रही। फॉल का मतलब क्या है कि एल्स नहीं। लेट्स से इसी चीज़ को हम थोड़ा और इन्हेंस करते हैं, इसमें हम एल्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सेम स्टेप, फर्स्ट यूजर से वैल्यू रीड होगी, रीड होने के बाद वेरिएबल को असाइन होगी, असाइन होने के बाद वो चेक करेगा, अगर ट्रू है तो से हाई सेलिना करके स्टॉप कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो से यू आर नॉट सेलिना उसको स्टॉप कर देगा। तो इसमें क्या है, आपके पास एक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट है, टॉप टू बॉटम सारी स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। की लिमिटेशंस क्या थी आपके पास, नॉट एज एफिशिएंट एज हैंड क्रिफ्टेड सोर्स कोड रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज, पुअर एट हैंडलिंग फजी कंडीशन सच फाउंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, अनलाइक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज सच एज प्रोलॉग। द बिगेस्ट प्रॉब्लम द टेंडेंसी फॉर लार्ज प्रोसीड्यूर बेस्ड प्रोग्राम टू टर्न इंटू वेंट्रल कोड। तो बेसिकली इसकी लिमिटेशंस क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन आपके पास क्या थी कि जैसे आपके पास
रिक्वायरमेंट ऐड होती जाती थी, वैसे आपके पास कोड भी कम्प्लेक्स होता जाता था। जब कोड कम्प्लेक्स होता था, उसकी अंडरस्टैंडबिलिटी आपके पास लेस होना शुरू हो जाती थी। देन फजी कंडीशन मीन्स जो आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जो अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट अपने डिसीजन को चेंज करती हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग की एप्लीकेशन है आपके पास, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है, वो अपने बिहेवियर को ऑन द बेसिस ऑफ करंट इन्वायरमेंट चेंज करता है। करंट इन्वायरमेंट क्या आपके पास, कि लेट्स से मेरे पास कोई हर्डल आ गया है, ज़रूरी तो नहीं है हर्डल मेरे पास हमेशा एक ही स्पेस पे होगा, तो वो इस चीज़ को मॉनिटर करके अपने आप को चेंज करता है। इन सब चीज़ों को अप्लाई करना प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या था कि जैसे जैसे आपका जो कोड है वो लार्ज होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जो कोड की यूजिबिलिटी वो आपके पास लॉस होते जा रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम का सलूशन क्या आपके पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो फर्स्ट दोबारा हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस अदर कंसेप्ट रिवॉल्विंग अराउंड दीज फीचर लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली जैसा आप सबको पता है कि ऊप को हम क्या कहते हैं, ऊप एक आपके पास क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट या ऑब्जेक्ट की तरह आपके पास ट्रीट होगी। जैसे कि आप लोगों ने इसके अंदर बहुत सी एग्जांपल अपने लास्ट सेमेस्टर में की होंगी। लेट्स से एक एग्जांपल मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मेरे पास ह्यूमन की क्लास है, उस ह्यूमन की क्लास के अंदर आपके पास दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑब्जेक्ट, मेंबर फंक्शन। व्हाट इज मेंबर ऑब्जेक्ट, आपको पता है जैसे उसकी किसी क्लास की प्रॉपर्टीज वो उसकी मेंबर ऑब्जेक्ट हैं। मेंबर फंक्शन के उन ऑब्जेक्ट की यूजिबिलिटी वो आपके पास मेंबर फंक्शन है। जैसे कि आपके पास एक ह्यूमन की क्लास है, इस ह्यूमन की क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास लेट्स से फीट है, आपके पास हैंड है, आपके पास फेस है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब उसकी यूजिबिलिटी क्या है, फीट आपके पास क्या है, वी आर वॉकिंग, आपके पास आर्म्स क्या हैं या आपके पास हैंड क्या है, लेट्स से ड्राइविंग कार या होल्ड समथिंग, आपके पास फेस क्या है, लेट्स से आप अपने फेस के थ्रू कोई चीज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास उन प्रॉपर्टीज़ की यूजिबिलिटी। और जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्लास एक आपके पास कंटेनर होता है, ये कंटेनर क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी यूजिबिलिटी क्या हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होगी आपके पास, मेंबर ऑब्जेक्ट, यूजिबिलिटी क्या होगी आपके पास, उसकी फंक्शनैलिटी। तो क्लासेस के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है इसके मेन आपके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। लेट्स से अगर हम इसके और भी ऊप के कंसेप्ट देखें तो उसमें आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेट्स से व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है आपके पास। ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऊप, दे आर इंस्टेंस ऑफ क्लास विच हैव डेटा मेंबर्स एंड यूजिस वेरियस मेंबर फंक्शंस टू परफॉर्म टास्क।
ऑब्जेक्ट एक आपके पास क्लास की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया ह्यूमन, ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, ह्यूमन के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, फीट, फेस, हैंड, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपके पास, जब अगर हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मेंबर ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, तो आपके पास ये क्लास की इंस्टेंस होगी। तो बेसिकली आपके पास एक ये फंक्शन है मेन का, इस मेन के फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, नाम उसकी प्रॉपर्टीज है और वो उसको यूज करवा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्लीज, और ये बेसिकली आपके पास यूजर से वैल्यू गेट कर रहा है, प्लीज इंटर योर नेम, और जो नाम है आपके पास वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, एरे टाइप का, जिसकी लेंथ क्या आपके पास 15। लेट्स से कम टू क्लास। अब आपके पास क्लासेस या क्लास क्या है, क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बट इट आल्सो कंटेन फंक्शन इन इट, सो क्लास इज बेसिकली अ ब्लू print for object, it declare and define what data variables the object will have and what operation can be performed on the class object. तो basically आपके पास, जैसे मैं एक दफा दोबारा recap कर देता हूँ, class एक container है, उस container के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, first of all प्रॉपर्टीज, देन देयर यूजिबिलिटी। इसके एग्जाम्पल लेट से हम एक और ले लेते हैं, मेरे पास टीचर की क्लास है, अब टीचर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस, उसका सेल नेम और मेनी अदर प्रॉपर्टीज। अब ये सारी उसकी क्या हैं, प्रॉपर्टीज। अब इनकी यूजिबिलिटी क्या है, यूजिबिलिटीज क्या होंगी आपके पास, लेट्स से मैं एम्प्लॉय का नाम गेट करना चाहता हूँ, तो गेट एम्प्लॉय नेम एक उसकी यूजिबिलिटी होगी। इसी तरह मैं अगर एम्प्लॉय का लेट्स से डेजिग्नेशन को रिसीव करना चाहता हूँ, तो वो आपके पास गेट डेजिग्नेशन का एक फंक्शन होगा, जो कि उसका आपके पास मेंबर फंक्शन होगा, ठीक है। तो लेट्स से अब आपके पास ये बॉक्स है, और ये बॉक्स बेसिकली आपके पास क्या चीज डिनोट कर रहा है, एक क्लास, और उस क्लास की कितनी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, तीन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और किस टाइप की आपके पास इसमें एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक। लेट्स से अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या आपके पास, एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू सॉल्विंग ओनली द एसेंशियल फीचर ऑफ द एप्लीकेशन एंड hiding the details. In C++, classes can provide methods to the outside function to access and use the data variables, keeping the variables hidden from direct access. This can be done using access specifier. जैसे आप लोगों को पहले पता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपके पास है हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब क्या है कि वो सारी प्रॉपर्टी जो कि मैं पब्लिकली क्लास की शो नहीं करना चाहता, यानी कि जब मुझे प्राइवेसी का कंसर्न हो, तो प्राइवेसी के कंसर्न के लिए हमारे पास ओक ने एक टेक्निक प्रेजेंट की है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स वो सारे आपके पास प्रॉपर्टीज या आपके पास मेंबर ऑब्जेक्ट जिनको आप हाइड रखना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास टीचर की एग्जांपल है, टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल, लेट्स से हम इन दोनों को आपस में लिंकअप करते हैं। टीचर्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि वो पब्लिकली हर एक स्टूडेंट को विजिबल नहीं करवाना चाहता, इसी तरह वाइस वर्सा स्टूडेंट नहीं करवाना चाहता, क्या हो सकता है, एड्रेस टीचर के केस में, स्टूडेंट के केस में भी एड्रेस है, आपके पास सेल नंबर टीचर के केस में और स्टूडेंट के दोनों के केस में सेम है। तो
इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से इन दोनों क्लासेस के बीच में मूव या एक्सेस नहीं कर सकते थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर, और ये चीज़ आपको कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है उसके अंदर? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन उसकी एक टेक्निक है, और ये प्रोवाइड करता है कि अगर हम क्लासेस के अंदर मेंबर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर को डिक्लेयर कर दें, जो कि बेसिकली आपके पास तीन किस्म के होते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। लेकिन जावा में या एडवांस ऊप में इसके फोर होते हैं। फोर मींस कि एक का यहाँ पे एडिशन है जो कि हमारे पास सिंपल ऊप में नहीं था, वो था स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है इसको हम डिटेल्स अनकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टैटिक मींस क्या, आपके पास ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर जो कि कभी भी उस वेरिएबल की लास्ट अपडेटेड स्टेट को चेंज नहीं करता। यानी कि अगर मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेरे पास मल्टीपल क्लासेस में यूज़ हो रहा है और मैंने किसी एक लास्ट क्लास में जाके उसकी स्टेट को चेंज कर दिया है, और अगर मैं उसको वो फर्स्ट क्लास में जहाँ पे वो चेंज नहीं हुआ था, अगर मैं वहाँ पे जाके उसका वेरिएबल बना के उसको मैं एक्सेस करूँ तो वो मुझे लास्ट अपडेटेड स्टेट देगा। तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो लास्ट उसकी स्टेट है वो उसको कंटेन रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। इसलिए आपके पास चौथा एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि आपके पास जावा यानी कि एडवांस ऊप में हम उसको देखेंगे इन अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तो बेसिकली आपके पास प्रीवियस रूप में या सिंपल रूप में आपके पास क्या था? पब्लिक। पब्लिक मींस एवरीवन इज अलाउड टू एक्सेस। प्राइवेट मींस दैट ओनली मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास आर अलाउड टू एक्सेस। प्रोटेक्टेड मींस दैट मेंबर ऑफ द सब क्लास आर आल्सो अलाउड। ठीक है, तो चाइल्ड के कंसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं जो कि इनहेरिटेंस को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल क्या शो कर रहा है कि एडर की एक क्लास है आपके पास। इस क्लास के अंदर बेसिकली आपके पास दो किस्म के मेंबर फंक्शन है। फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टर विच इज कॉल्ड स्पेशल मेंबर फंक्शन, अदर एड नम गेट टोटल। ये आपके पास बेसिकली क्या है? मेंबर फंक्शन। इन तीनों के आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक। इट मीन्स क्या मैं इसको आउट ऑफ दी साइड दिस क्लास एक्सेस कर सकता हूँ। और प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? जो नीचे है उसका एक प्रॉपर्टीज है जो कि मेंबर ऑब्जेक्ट है इन टोटल के नाम से, तो क्या हिडन डाटा फ्रॉम आउटसाइड दी वर्ल्ड। तो इसका जो एक्सेस होगी वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर इसके मेंबर फंक्शन और स्पेशल मेंबर फंक्शन और मेंबर फंक्शन में एक्सेस कर सकता है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? लेट्स अगर मैंने इसके अंदर इंटर कर दिया है 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं डेट void 8 को करूं तो 5 आपके पास का आंसर है, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 और टोटल असाइन हो रहा है i को। तो i क्या, i असाइन हो रहा है टोटल को, तो i की वैल्यू क्या है? 0, 0, तो 0 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा। लेट्स अब हम देखते हैं ऊप की कुछ एग्जांपल्स जो कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखी होंगी। फर्स्ट वन क्या आपके पास? क्लाइंट सर्वर सिस्टम की एग्जांपल है इसकी। रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइन आपके पास इसकी एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, डिसीजन सपोर्ट, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्किंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग आपके पास इन सारी ऊप की एग्जांपल्स हैं। लेट मी कंक्लूड द टुडे आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। इट कंटेन्स अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स, फंक्शन एंड कमांड्स टू कंप्लीट अ कंप्यूटेशनल टास्क और प्रोग्राम। देन वी सी वट इज द लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। दिस इज वन इज द बिगेस्ट लिमिटेशन विच इज वेंट्रल कोड।
Then we see what is object oriented programming. Then we see what are the main concept, main and sub concept of OOPK. From my side is enough. Thank you. Allah Hafiz. From class, welcome to second lecture of advanced OOPK programming of first week. Today topics, first of all we recap our previous lecture, then we see the remaining basic concept of OOP and in which encapsulation, polymorphism, exception handling, inheritance. Then we see advantage and disadvantage of OOP. At the end I will conclude our today lecture. In recap, we have taught procedural language. It contains a systematic order of statements, functions and commands to complete a computational task or program. Procedural language basically आपके पास एक ऐसी language है जिसके अंदर आपके पास हर एक अपकमिंग स्टेटमेंट डिपेंडेंट होती है प्रीवियस वन के, अगर उसकी कोई इनपुट उसमें रिक्वायर है. जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी कि दो नंबर्स को मैंने सम अप करके एक किसी वेरिएबल में मैंने उनका रिजल्ट शो करवा के उसको प्रिंट आउट करवाना है और वो दो वैल्यूज मैंने यूजर से इंटर करवानी है रन टाइम पे. तो जब तक मेरे पास दो वैल्यू यूजर इंटर करने के बाद उनको पास नहीं करेगा वेरिएबल के अंदर, तब तक मैं रिजल्ट शो नहीं करवा सकता. तो बेसिकली आपके पास जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है बेसिकली टॉप टू बॉटम वर्कआउट करती है, और इसमें आपके पास हर प्रीवियस जो आपके पास अपकमिंग स्टेटमेंट है वो डिपेंडेंट होती है प्रीवियस वन के ऊपर. देन हमने देखा था व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. तो इसके अंदर आपके पास थी नॉट एज एफिशिएंट एज एनक्रिप्टेड सोर्स कोड रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द टेंडेंसी फॉर लार्ज प्रोसीड्यूर बेस्ड प्रोग्राम्स टू टर्न इनटू वेंट्रल कोड. तो बेसिकली आपके पास इसकी लिमिटेशंस क्या है कि जैसे जैसे आपके पास प्रोग्राम के फीचर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपके पास जो इसकी अंडरस्टैंडबिलिटी होती है प्रोग्राम की वो आपके पास लॉस होते जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास सारे फंक्शंस होते हैं और वो सारे फंक्शन एक दूसरे के डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. लेट से मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि पहले 10 फंक्शंस को हैंडल कर रहा था, फिर 12 को करने लग कर रहा है, फिर 13 को, फिर 15 को, फिर 16 को. इसी तरह आपके पास नंबरिंग ऑफ फंक्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ फंक्शन मीन फीचर ऑफ योर एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग. सो इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अपकमिंग यूजर या लेट्स से अपकमिंग योर डेवलपर टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो देन ऐड समथिंग एल्स न्यू फीचर इन इट. तो इससे क्या होगा आपके पास, लेट्स से हम नया डेवलपर या लेट्स से कोई नया प्रोग्रामर आके उस एप्लीकेशन के अंदर कोई नया फीचर ऐड करना चाह रहा है तो वो इजीली इसको ऐड अप नहीं कर सकेगा क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोड कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है एज आपके जो प्रोग्राम में फीचर जैसे ऐड अप होते जाते हैं. देन हमने देखा था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल that is associated with the concept of class, object and various other concepts revolving around these features like inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. तो object oriented programming क्या हो गया आपके पास, class, objects, inheritance, polymorphism, abstraction,
इनकैप्सुलेशन, इन सब कंसेप्ट को मर्ज करें तो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनते हैं। और बेसिकली इसका अगर हम एक आइडिया मैं आपको गो थ्रू करूं, तो इसमें बेसिकली आपके पास हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। और आपके पास एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट वन मेंबर ऑब्जेक्ट्स, सेकंड मेंबर फंक्शन। मेंबर ऑब्जेक्ट की यूजेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन के अंदर, ठीक है। अगर हम मेन कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली आपके पास खुद के चार मेन कंसेप्ट हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन के। तो बेसिकली अगर मैं जो लास्ट टाइम हमने देखे थे, दो चीज़ें हमने देखी थी, व्हाट इज क्लास एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्लास आपके पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर दो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, मेंबर ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये एक क्लास के दो मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या थी आपके पास, कि अब इनमें से कौन से आउटसाइड वर्ड आपके पास एक्सेस होंगे और कौन से नहीं होंगे, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास है। और एक्सेस स्पेसिफायर में आपके पास क्या था, बेसिकली हमने कहा था कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हैं आपके पास, तीन किस्म के हमने पढ़े थे, जो कि हमने कहा था कि आपके पास ऊप में है, लास्ट वन ऊप में आपके पास, फर्स्ट वन क्या था आपके पास पब्लिक, जो कि पूरी क्लास के अंदर जितने भी आपके पास मेंबर फंक्शन है उसके सबको विजिबल होंगे और सब क्लासेस को विजिबल होंगे। फिर हमने कहा था पेरेंट के अंदर जो चीज़ें, अगर हमने लेट से उसके अपकमिंग चाइल्ड को विजिबल करवानी है तो उसके लिए आपके पास जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव। अगर हमने उनको क्लास के अंदर ही एक्सेस करना है, जो आउटसाइड दी क्लास उसको हमने शो नहीं करवाना, तो हमने उसके लिए कहा था आपके पास प्राइवेट का कंसेप्ट है। नाउ स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। इनकैप्सुलेशन, इट कैन आल्सो बी सेड डेटा बाइंडिंग। इनकैप्सुलेशन इज ऑल अबाउट बाइंडिंग द डेटा वेरिएबल्स एंड फंक्शन टुगेदर इन क्लास। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन आपके पास क्या एक टेक्निक है, क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को उसकी यूजिबिलिटी यानी कि उसकी फंक्शन मेंबर फंक्शन के साथ बाइंड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। यानी कि एग्जांपल आपके पास इसकी कैलकुलेट से मैं ह्यूमन की क्लास है, उसके अंदर फीट को मैं बाइंड करना चाह रहा हूँ वॉकिंग फंक्शन के साथ। तो फीट और आपके पास जो वॉकिंग के अंदर अगर मैं फीट के फंक्शन को यूज़ करूँगा तो ये एक बाइंडिंग है और ये आपके पास ऊप के अंदर पॉसिबिलिटी है। लेट्स से एक आपके पास एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, एडर की आपके पास क्लास है, उस एडर की क्लास के अंदर आपके पास जो स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उसके अलावा आपके पास वॉइड, नम, गेट, टोटल, जो ये आपके पास है, इनकी एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास क्या है, पब्लिक, यानी कि ये इस क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं। और जो आपके पास टोटल का जो वेरिएबल है ये आपके पास क्या है, प्राइवेट, यानी कि इसका स्कोप सिर्फ इसी क्लास के अंदर होगा और इस क्लास के अंदर इसको मेंबर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा है कि टोटल को सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, एडर कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे आई की, जो कि आपके पास क्या है, ज़ीरो। तो टोटल की वैल्यू कंस्ट्रक्टर में हमेशा क्या हो रही है, ज़ीरो। तो बेसिकली वो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। देन वो क्या कर रहे हैं, यूज़र से वो नंबर एक गेट कर रहे हैं और उसको सम अप कर रहे हैं टोटल के साथ। लेट्स से यूज़र ने अगर 10 इंटर किया है तो बेसिकली आपके पास वो क्या कर रहा है, टोटल इज इक्वल टू 0 + 10। तो टोटल अब आपके पास क्या आ गया, 10। लेट्स से अब इसके बाद मैं एक्सेस करता हूँ गेट टोटल। तो गेट टोटल आपके पास रिटर्न टाइप का फंक्शन है जो कि आपको एक टोटल रिटर्न कर रहा है और आपको ये क्या रिटर्न करेगा, 10।
लेट से अगर थोड़ा सा हम इसमें वेरिएशन करें कि मैं लेट से गेट टोटल को पहले कॉल कर रहा हूँ और ऐड नंबर को बाद में कॉल कर रहा हूँ, तो इसका क्या आंसर होगा? जीरो, क्योंकि वैल्यू हम कब असाइन कर रहे हैं? गेट टोटल के बाद, तो गेट टोटल के अंदर बाई डिफॉल्ट क्या है? जीरो, तो वो जीरो आपको रिटर्न कर देगा। सेकंड, आपके पास क्या है इनकैप्सुलेशन के बाद? पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज अ फीचर विच लेट अस क्रिएट फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स विच विल परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। दैट मीन्स फंक्शन विद सेम नेम बट फंक्शनिंग इन डिफरेंट वेज, और इट आल्सो अलाउ अस टू रीडिफाइन अ फंक्शन टू प्रोवाइड इट विद अ कंप्लीटली न्यू डेफिनेशन। लेट से अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या, वो क्या कह रहा है आपके पास कि एक ही फंक्शन को हम सेम नेम के साथ लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डिफरेंट रिटर्न टाइप और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आपके पास? लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन की, उस पर्सन के अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया जो कि मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक पर्सन की एज। तो मेरे पास का मेंबर फंक्शन का किस तरह से इसको राइट अप करेंगे? लेट्स से इंट एज पैरामीटर इंट एज रिटर्न एज। अभी आपके पास क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंट, जो पैरामीटर कौन सा रिसीव कर रहा है? इंट, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने? वन। इसी चीज को अगर दोबारा हम कंपेयर करें, लेट्स से इंट एज पैरामीटर इंट, और उसकी आपके पास जो वेरिएबल है वो बेसिकली मेरे पास एक एरे टाइप का है, यानी कि मैं 10 एम्प्लॉयज की एज को रिटर्न कर रहा हूँ। इस केस में आपके पास क्या होगा, जो प्रीवियस है और जो ये आपके पास अब जो हमने, यानी कि प्रीवियस आपके पास क्या था, नॉन एरे पैरामीटर था, और अब आपके पास एरे पैरामीटर है, तो दोनों के अंदर आपके पास रिटर्न टाइप भी सेम है, नाम भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, लेकिन नेचर ऑफ पैरामीटर चेंज है। एक में आपके पास नॉन एरे है और एक में आपके पास एरे है, तो वो ये चीज़ कह रहा है आपके पास कि हम सेम नाम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, विद डिफरेंट रिटर्न टाइप, विद डिफरेंट आपके पास विद डिफरेंट पैरामीटर नेचर, मीन्स एरे और नॉट एरे। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, एक ही फंक्शन को हम बार बार कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी इसके एग्जांपल, आपके पास एक क्लास है शेप की, और ये शेप आपके पास क्या है, पेरेंट क्लास है, क्योंकि इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल इसको इनहेरिट कर रहे हैं। अब आपके पास जो शेप पेरेंट क्लास है, इसके अंदर जो आपके पास जो मेंबर ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनका एक्सेस स्पेसिफाई क्या है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स कि सिर्फ चाइल्ड को ही एक्सेस होंगे। ठीक है, देन आपके पास जो शेप है, जो आपके पास एरिया है, इनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक। और आपके पास जो शेप है इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, विड्थ और हाइट को असाइन कर रहा है, या बेसिकली इनिशियलाइज करवा रहे हैं जीरो जीरो से। देन जो एरिया, उसमें वो क्या कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवा रहे हैं जिसको वो राइट अप कर रहे हैं पेरेंट क्लास एरिया, और रिटर्न जीरो कर रहे हैं। ठीक है, देन अगर हम इसके फर्स्ट चाइल्ड को देखें, रेक्टेंगल
पब्लिक शेप, वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि वो सारे पेरेंट के आपके पास मेंबर और स्पेशल मेंबर फंक्शन या आपके पास मेंबर ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास पब्लिक हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। देन वो क्या कर रहा है रेक्टेंगल के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि वो चाइल्ड के रेक्टेंगल और एरिया को इसके बाहर भी एक्सेस कर सकता है। देन वो लिख रहा है कि रेक्टेंगल int a इज इक्वल टू जीरो कॉमा int b इज इक्वल टू जीरो, और ये बेसिकली अपने मेंबर स्पेशल जो उसका है फंक्शन मींस कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे इनको इनिशियलाइज करवा रहे जीरो से, देन शेप में ये दोनों पास कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं एरिया के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे अब अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हैं सी आउट रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्लास एरिया और उसको अपने मुताबिक रिटर्न करें, यानी कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसको रिटर्न करने के बाद रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे थ्रू फार्मूला यहाँ तक। देन ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल में वो दोबारा वही काम कर रहे हैं कि पेरेंट को इनहेरिट कर रहे पब्लिकली, यानी कि पेरेंट के वो सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स या मेंबर फंक्शन या स्पेशल मेंबर फंक्शन जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं उन सब को यहाँ पे वो इनहेरिट कर रहे हैं। देन पब्लिक लिख रहे हैं, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं ट्राइंगल अपना एक कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दोबारा इनमें वैल्यू असाइनमेंट्स कर रहे हैं, देन शेप के फंक्शन को जो कि आपके पास मेंबर फंक्शन है स्पेशल शेप इसके पेरेंट का उसको कॉल कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं आपके पास पेरेंट के एरिया के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्राइंगल क्लास एरिया, देन उसको रिटर्न कर रहे हैं ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस पूरे सिनेरियो को हम एनालाइज करें तो शेप और एरिया कितनी दफ़ा यूज हुआ है, 3 times। वन टाइम आपके पास वो अपने फंक्शन अपने अपने ही क्लास के अंदर यूज़ हो रहे हैं और बाकी 2 times वो अपने चाइल्ड्स के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट में चेंज होते हुए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो शेप के अंदर वो बेसिकली 0 रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो वहाँ पे वो उसका ट्राइंगल का जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है उसकी बेसिस पे उसका एरिया कर रहे हैं। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल के अंदर वो जो उसका फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए जो उसका एरिया का फार्मूला है उसके मुताबिक उसको रिटर्न कर रहा है। देन आप देखते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जैसे आप लोगों को पता होगा एक्सेप्शन मींस जो लॉजिकल आपके पास एरर जो एरर आपके पास अराइज होती हैं ड्यूरिंग रन टाइम उन सबको हैंडल करना आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ फीचर ऑफ रूट टू हैंडल अनरिजॉल्व एक्सेप्शन और एरर प्रोड्यूस एट रन टाइम। एक्सेप्शन प्रोवाइड अ वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू एन अदर। C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बिल्ड अप 3 keywords try, catch and throw। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी लॉजिकल एरर जो आपके पास राइज हो रहा है हम उसको हैंडल कर सकते हैं थ्रू एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर आपके पास वो 3 keywords हैं जिसके बेसिस पे हम उसको हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच एंड थ्रो। फर्दर हम इसको देखें थ्रो के आपके पास आप प्रोग्राम थ्रोस एंड एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम शो अप दिस इज डन यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड। कैच आप प्रोग्राम कैचेस एंड एक्सेप्शन विद एन एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन अ प्रोग्राम वेयर यू वांट टू हैंडल द प्रॉब्लम। द कैच कीवर्ड indicate the catching of an exception try। A try block
identifies a block of code for which particular exception will be activated, it followed by one or more blocks. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है आपको कि जो थ्रो है, थ्रो के अंदर हम सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, उसके लिए कुछ सोल्यूशन राइज अप नहीं करते। कैच क्या कह रहा है आपके पास कि कैच आपके पास बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम अगर कोई एक्सेप्शन राइज हो गई है उसको किस तरह से हैंडल करना है, यानी कि उसका सोल्यूशन क्या है वो हम शो करवाते हैं। या तो हम कोई एरर शो करवा देंगे या उसको हम नॉर्मली टर्मिनेट कर देंगे। अब कैच कब कॉल होगा, जब हमारे पास कोई एक्सेप्शन राइज हो सकती है तो हमको सबसे पहले हम उसको ट्राई करेंगे। ट्राई का मतलब क्या है कि लेट्स से देयर पे एक एक्सेप्शन है कि वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो, एक आपके पास लेट्स से एक एक्सेप्शन है, वन डिवाइड बाई ज़ीरो इज इन्फिनिटी। अगर मेरे पास जो डिवाइडर होगा अगर उसकी वैल्यू मेरे पास ज़ीरो होगी, इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी को शो अप करेगा, तो इस एक्सेप्शन को हमने हैंडल करना है और ये आपके पास रन टाइम पे जनरेट होगी। ये कोई आपके पास सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, यानी कि ऐसी सारी आपके पास लॉजिकल एक्सेप्शन जो कि राइज हो सकती हैं हम उसको ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। अगर वो ट्रू होता है, यानी कि अगर हमारे पर ट्राई करते हुए वो वही चीज़ राइज हो रही है, तो हम उसको कैच करेंगे। कैच में हम क्या कर सकते हैं, कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं उसको, या उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, या उसको दोबारा कॉल अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो आपको क्या कह रहे हैं कि हम मल्टीपल कैच एक ट्राई के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम अभी थ्रो के देखें, वो कह रहे इफ बी इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक डबल का फंक्शन है जो कि डिवीजन कर रहा है, दो चीज़ें रिसीव कर रहा है जो कि आपके पास नॉन एरे हैं, जिनकी डेटा टाइप आपके पास क्या है, इंट ए बी। अब आपके पास बी यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिवाइडर है। वो कह रहे हैं कि इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब भी बी की आपके पास वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगी, इसका मतलब क्या है, एनी थिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज इन्फिनिटी, तो वो एक थ्रो क्या कर देगा, एक्सेप्शन रिविजन बाय अ ज़ीरो कंडीशन के, और रिटर्न वो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने उसको कैच नहीं किया कि जो मेरे पास एक्सेप्शन आई है उसका सोल्यूशन क्या है, उसने बस एक मैसेज शो अप कर दिया। लेट्स से ट्राई में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक करने के बाद अगर वो एक्सेप्शन राइज हो रही है तो हम उसके अगेंस्ट कोई सोल्यूशन या उसको कैच कर सकते हैं, और एक ट्राई के अंदर हम मल्टीपल कैचेज यूज़ कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से मेरे पास दो एक्सेप्शन हैं, एक है मेरे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और एक मेरे पास एक्सेप्शन है डिवाइडेड बाय ज़ीरो। दो आपके पास ये एक्सेप्शन है, लॉजिकल एरर्स हैं जो कि रन टाइम पे आपके पास जनरेट होते हैं, इनको मैं ट्राई में राइट अप करूँगा, लेकिन डिवाइडेड बाय ज़ीरो के लिए अलग कैच होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए अलग कैच होगा। तो अगर इस चीज़ को हम समराइज करें कि एक ट्राई के अगेंस्ट मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ट्राई हम मल्टीपल कैचेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी आपके पास लॉजिकल एरर रन टाइम पर जनरेट हो सकते हैं उन सब के लिए आपके पास एक ट्राई होगा, उस एक ट्राई के अंदर हम मल्टीपल जो आपके पास रन टाइम पे एरर जनरेट हो सकते हैं हम उनको देख सकते हैं, और उनके लिए हम एक एक स्पेसिफिक कैचेस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एन अदर क्लास। पेरेंट वर्सेस बेस क्लास, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर
inherited by other class is called the parent or base or superclass, and the class which inherits properties of other class is called child or drive or subclass. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस आपके पास, जैसे आप लोगों को पहले पता है कि इनहेरिटेंस आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज जो कि दूसरी क्लास भी के अंदर भी यूज होनी है, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि मल्टीपल क्लासेस के अंदर कॉमन है, उसके लिए हम एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं और पेरेंट क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं जो आपके पास जितनी भी वो क्लासेस जो कि उन प्रॉपर्टीज को यूज़ कर रही हैं उसके साथ. इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार वो कोड जो कि मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर रही हैं उसको राइट अप करना नहीं पड़ेगा, यानी कि reusability of your code improve होगी. जब reusability of code improve होगी इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम होगा वो कम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा. जब आपका प्रोग्राम सिंपल होगा तो इसका मतलब क्या है कि understandability आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था जो कि आपको ऑलरेडी पता है. अब दो इसमें होती हैं, जैसे आपको पहले पता है पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास. वो सारी क्लासेस जो कि अपनी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरेंट. और वो सारी क्लासेस जो कि किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज अपने अंदर इनहेरिट करती हैं उनको क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास. तो ये बेसिकली आपके पास पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट है. लेट्स से हमारे पास एग्जांपल क्या है कि मेरे पास एनिमल्स की क्लास है और उसके अंदर एक चाइल्ड है उसका डॉग. अब एनिमल्स में आपके पास क्या है, ओके, क्लास डॉग इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स सुपर क्लास या पेरेंट क्लास एनिमल के. अब क्या चीज़ें मल्टीपल एनिमल्स में कॉमन है, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो आता है आपके पास सब एनिमल्स में कॉमन है. देयर लेग्स, देयर आईज, देयर ईयर्स, देयर माउथ, ये सारी आपके पास क्या चीज़ है जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है किसी भी एनिमल का. डिफर क्या होगा, टाइप, टाइप डिफर होगा, उसकी नेचर मीन्स कि वो मेल है फीमेल है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं. इसलिए आपके पास वो क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो कि सब एनिमल्स में कॉमन है वो हम पेरेंट में राइट अप कर देंगे, और वो सारी चीज़ें जो कि उनको डिफर कर रही हैं हर एक चाइल्ड से वो हम उसके अंदर कॉल अप कर देंगे. देन एट द एंड हम एक कंपेरिजन करते हैं कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऊप में क्या फ़र्क था. अप्रोच, PL follows top-down approach, जैसे मैंने क्या कहा था इसमें sequence of order होता है statement, यानी कि हर upcoming statement dependent हो सकती है previous one के ऊपर. लेकिन जो अगर हम OOP की बात करें, OOP follows bottom-up approach, यानी कि इसका opposite होते हैं आपके पास. तो इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये statement आपस में interlink हो. Access specifier, PL does not have any access specifier. इसका कोई access specifier नहीं है तो इसमें security loss है आपके पास. OOP has access specifier named public, private, protected. और हमने क्या कहा था कि advanced OOP में आपके पास एक और access specifier होते हैं जो कि static होता है, और जो static access specifier क्या होते हैं वो जो आपके पास मेमोर ऑब्जेक्ट के अंदर लास्ट अपडेशन हुई है वो चेंज नहीं करता, चाहे मैं उसको उसके जनरेटर क्लास में कॉल करूं या लास्ट अपडेटेड क्लास में कॉल करूं, तो जो लास्ट में उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है
वो उसके इनिशिएटर में भी वहीं शो होगी। डेटा मूविंग इन पी एल, डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। इन ऊब ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शन। तो आपके पास पी एल में क्योंकि क्लासेस नहीं होते, फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस में डाटा इजीली मूव अप होता है आपके पास एज कंपेयर टू क्लासेस। एक्सपेंशन टू ऐड न्यू डाटा एंड फंक्शन इन पी एल इज नॉट सो इजी एज कंपेयर टू ऊप। ऊप प्रोवाइड एन इजी वे टू ऐड न्यू डाटा एंड फंक्शन। डाटा हाइडिंग, PL does not have any proper way for hiding data, so it is less secure. OOP provides data hiding, so provide more security. Let's say last and then we will see advantage and disadvantage of OOP. Advantage of OOP, the program written with OOP are really easy to understand. Since everything is treated as object, so we can model our real world concept using OOP. OOP approach offers the reusability of classes. We can reuse the classes that are already created without writing them again and again. Disadvantage of OOP, the size of program developed with OOP is larger than the procedural approach. Since larger in size, that means more instruction to be executed, which result in the slower execution of program. Let's me summarize the today lecture. First of all, we see encapsulation. It can be set data binding, polymorphism, overloading versus overriding, exception handling, try catch throw, inheritance, parent child concept, advantage and disadvantage of OOP. Thank you for watching our lecture. We will come in second lecture with series of lecture 3. Thank you.